हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। तो गाइस, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है अपनी प्रीवियस वीडियो में कि हम लोग साउथ इंडिया के टूर पर गए थे, तो हम लोग सबसे पहले चेन्नई पहुंचे और चेन्नई घूमने के बाद हम लोग रामेश्वरम गए और रामेश्वरम टेम्पल के दर्शन करने के लिए वहाँ पर पहले समुद्र पर बने इस घाट में स्नान करना होता है और उसके बाद 22 कुंड है वहाँ पर, पवित्र 22 कुंडों में स्नान किया जाता है। तो हम लोग होटल से कपड़े चेंज करके आ गए हैं इस घाट पर स्नान करने के लिए ताकि हम आगे दर्शन कर सकें। हम लोग पहले समुद्र में नहाए और फिर 22 कुंडों का स्नान किया। जहाँ पर 22 कुंडों का स्नान था वहाँ कैमरा ले जाना अलाउ नहीं था, तो वहाँ पे कुछ भी ऐसा मतलब व्लॉग बना नहीं सकी हूँ मैं। और अभी मैं हो गई हूँ तैयार और अब हम जा रहे हैं मंदिर में दर्शन करने के लिए। तो वहाँ तो कैमरा, मोबाइल या लेदर की कोई भी चीज़ ऐसा कुछ अलाउड ही नहीं है, तो वो तो वहाँ तो मैं नहीं दिखा पाऊंगी, लेकिन वहाँ से आने के बाद जहाँ भी जाएंगे वो मैं आपके साथ ही रहूँगी। तो हम एक मंदिर के दर्शन कर रहे हैं, अभी हम जा रहे हैं देखते हैं ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने। शाम हो गई है, रात होने वाली है। रामेश्वरम मंदिर का एंट्री गेट, अंदर मोबाइल अलाउड नहीं है। ये मार्केट है रामेश्वरम मंदिर के अंदर का। मंदिर अंदर से है, ये इसकी नक्काशी है, डेकोरेशन है। इससे ज्यादा अंदर कैमरा ले जाना अलाउड ही नहीं है। मॉर्निंग, तो हम कल हमने रात को दर्शन किए थे और फिर आज सुबह हम 5 बजे गए। वहाँ पे कहते हैं कि ज्योतिर्लिंग के ऊपर मणि रखी जाती है, तो उस मणि के दर्शन करने के बाद 6 बजे हम घर आ गए थे और अभी हम सब तैयार हो गए हैं और अब हम निकल रहे हैं आगे के लिए। कौन सी जगह आ गई? पहले 1964 में बड़ा तूफान आया। कौन सा? दो समुद्र आ रहे हैं। हाँ, दो समुद्र इधर बंगाल। अच्छा, ये बंगाल की खाड़ी। बंगाल की। ओके, हम बीच नहीं आए क्या पानी का? यहाँ दो समुद्र है इस तरफ। पेड़ अड़ा दिए बीच में। पेड़ क्यों अड़ा दिए? अड़ा नहीं दिए पेड़, इसमें है पेड़। ये मुझे लग रहा वाकई में लगाए हुए हैं ये पेड़। इन पेड़ों के उधर ना समुद्र ही है, लेकिन इसलिए लगाए हुए ताकि कोई जाए ना। रोड के दोनों तरफ पत्थर को नेट से बांध के ना बाउंड्री बनाई हुई थी सेफ्टी के लिए, ताकि लोग उधर ना जा सके। ये सारे फिशरमैन है उनके घर। अकेला खाना है ऐसे? पूरा इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, पूरा सोलर लाइट। अच्छा, सोलर लाइन बनाना इलेक्ट्रिसिटी बनाना।
श्रीलंका यहाँ से 18 किलोमीटर बस हो गई किसका वो तो मट्टी का लाइन मिलेगा ना वो जा रहा है हाँ वो तो सेतु का पुल बना है ना वो जगह पूरा साइक्लोन से पूरा पत्थर पूरा डूब गया नीचे अच्छा समुद्र का नीचे मिलता है नहीं दिखता है खाली जगह मिलेगी मट्टी का लाइन ऐसे छोटा छोटा गाँव मिले राम सेतु पर पता नहीं देखो जाके पता चलेगा चलो खड़े हो फोटो खिंचवा दो राम सेतु जो रामायण में जिसके बारे में बताया जाता है यहाँ से हनुमान जी ने बनाना शुरू किया था और यहाँ से श्रीलंका 18 किलोमीटर दूर है रात को श्रीलंका की लाइट्स सब नजर आती हैं तो मैं अभी आगे तक आपको घुमा के दिखा देती हूँ शुरू किया था राम सेतु बनना अभी सारे पत्थर समुद्र में डूब चुके हैं नहीं दिखता है कुछ थोड़ा सा संवाद यहाँ से लंका जा सकते थे क्या हम पर बंद है यहाँ पे एक टावर दिखेगा जो कि श्रीलंका का है अभी पता नहीं मेरे कैमरे में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है मैं आपकी सिप्पी उठाते हुए वीडियो बनाती हूँ उठाओ 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 सारी सिप्पियाँ चुन ली उन्होंने पूरा ट्री बनाएंगी घर जाके इतनी सिप्पियाँ ले ली रस्सी बांधी हुई है इससे उधर जाना अलाउड नहीं है उधर जाना उधर नहीं जा सकते बस ये चले गए फोटो खिंचाने के लिए वैसे अलाउड नहीं है ये भैया खड़े हैं यहाँ पे लेके के बिल्कुल जाने नहीं दूंगा तो धनुषकोडी हमने देख लिया और अब हम चल दिए अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ देखते हैं उसने बताया तो बहुत सारे पॉइंट थे कुछ हमने देखे कुछ हमने वैसे भी छोड़ दिए तो अभी हम नेक्स्ट पॉइंट पर जाते हैं तो नेक्स्ट जो पॉइंट था वो था विभीषण जी का टेंपल विभीषण जी को तो आप जानते ही हैं रावण के छोटे भाई थे और जिन्होंने राम और रावण के युद्ध में श्री राम जी की बहुत सहायता की थी तो टेम्पल के अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं थी तो ये हमें आपको सिर्फ बाहर से ही दिखा देती हूँ तैरते हुए पत्थर कहते हैं दिखते हैं लेकिन उतना नजदीक जाने की हमारी हिम्मत नहीं है बहुत तेज धूप हो रही है ये देखिए विभीषण जी का टेंपल देखने के बाद अब हम आगे बढ़े अब हमें जाना था अबुल कलाम जी के घर को देखने जिसको अभी म्यूजियम बना दिया गया है और वहीं पर एक होलसेल मार्केट भी है पूरा कारेकुड़ी काटन चकीलाल काटन 2000 से शुरू होता है 3000 तक रहता है उसका काटन बहुत अच्छा रहता है पल्लू भी अच्छा रहता है यहाँ पे हमने एपीजे अब्दुल कलाम जी का घर भी देख लिया जो मेमोरियल बन गया है और काफी सारी शॉपिंग की है मैंने यहाँ से सामान काफी अच्छा था हम जा रहे हैं वापस आ गए हैं पंचमुखी हनुमान मंदिर मंदिर चाहे छोटे हो या बड़े बहुत ही कलरफुल थे वहाँ के और बहुत देखने में खूबसूरत थे और बहुत ज़्यादा नक्काशी करके इनको बनाया गया था छोटे से छोटा मंदिर भी नक्काशीदार था बहुत सारे मंदिर देख लिए
फोटो ब्रिज वही तो है, वो ब्रिज उधर आ गया। अब हम इस तरफ रामेश्वरम हमने घूम लिया है और अब हम चल दिए हैं मदुरई की तरफ, है ना आरव? मदुरई की तरफ। जिस दिन से आए हम यहाँ बादल बने हैं, ये देखो, वरना इतनी थी इतनी गर्मी थी ना। रास्ते के कुछ नज़ारे इतने खूबसूरत थे ना, जैसे फिल्मों में दिखाते हैं, बिल्कुल वैसे ही लग रहे थे। आसमान